तो पोकेमॉन चैलेंजिंग जेनिस के एपिसोड 8 में आपने देखा कि एश और गोका बैटल होता है, जिस बैटल में गोका ऑलरेडी 5 पोकेमॉन हार गया था। उसके बाद गोका 5th पोकेमॉन एरोडैक्टाइल एश के चार्जर से बैटल करता है और बैटल के एंड में एश का चार्जर फुल पावर के साथ फायर ब्लास्ट अटैक यूज करते हैं और गोका एरोडैक्टाइल फुल पावर के साथ फायर ब्रेथ अटैक यूज करते हैं। और अब आगे बोला भी एश और गो दोनों ही सीरियस रहते कि ये देखने के लिए कि अब कौन सा पोकेमॉन जीतने वाला है। और चार्जर और एरोडैक्टाइल एक साथ अटैक कर देता है और दोनों अटैक एक दूसरे टक्कर हो जाते हैं एंड बैटल के बीच बहुत बड़ा धमाका होता है। धमाका हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि एश के चार्जर को थोड़ा बहुत ही डैमेज हुआ है, लेकिन गो को एरोडैक्टाइल को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ है, इसी वजह से गो का एरोडैक्टाइल यहाँ पे हार जाता है। तो अब गो अपने एरोडैक्टाइल को वापस बुलाते हैं एंड अपने आखिरी पोकेमॉन को भेजने वाला है। गो को ये बात पता चल जाता है कि वो बैटल हारने वाला है, लेकिन फिर भी वो आखिरी कोशिश करना चाहता था आखिरी दम के लिए। इसलिए एश को बोलते हैं कि एश अब मेरा आखिरी पोकेमॉन आने वाला है एंड तुम्हें पता है कि ये पोकेमॉन कौन सा होने वाला है, और साथ में तुम्हें ये भी पता है कि ये बैटल अब आसान नहीं होने वाला है। तो अब बाहर आओ, सिंड्रेस में तुम्हें चुनता हूँ। और इस तरह गो का सिंड्रेस बाहर आता है आखिरी पोकेमॉन की तरह। और अब एश भी अपने चार्जर को वापस बुलाते हैं एंड अपने नेक्स्ट पोकेमॉन को भेजता है, जो कि होता है लुकारियो। टाइपिंग में लुकारियो को सिंड्रेस से डिसएडवांटेज था, लेकिन फिर भी लुकारियो स्ट्रांग था, वो बैटल कर सकता था। और अब सिंड्रेस और लुकारियो के बीच बैटल स्टार्ट होता है। गो अपने सिंड्रेस को बोलते हैं सिंड्रेस पायरो वाला अटैक यूज करो, और ऐसा अपने लुकारियो को बोलते हैं लुकारियो तुम और स्पीड अटैक यूज करो। सिंड्रेस पायरो वाला अटैक यूज कर देता है और लुकारियो और स्पीड अटैक यूज कर देता है एंड दोनों ही अटैक एक दूसरे टक्कर हो जाते हैं एंड बैटल के बीच बहुत बड़ा धमाका होता है। और अब गो अपने सिंड्रेस को बोलते हैं सिंड्रेस डबल की अटैक यूज करो, एंड ऐसा अपने लुकारियो को बोलते हैं तुम फोर्स पर अटैक यूज करो। दोनों ही पोकेमॉन एक साथ अटैक कर देते हैं एंड एक दूसरे से भिड़ जाता है एंड दोनों ही बैटल कर रहे थे। दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट दे रहे थे, पूरी कोशिश कर रहे थे अपने ट्रेनर को जिताने के लिए। उसके बाद तुरंत ही गो बोलते हैं अपने सिंड्रेस को सिंड्रेस ब्लेसिक अटैक यूज करो, जो कि सिंड्रेस ब्लेसिक अटैक कर देता है और ये अटैक एश के लुकारियो को लग जाता है, जिससे लुकारियो को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर सिंड्रेस को गो बोलते हैं कि सिंड्रेस एक और बार, जो कि अगेन लुकारियो को लग जाता है, इससे बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है, लुकारियो नीचे गिर जाता है। फिर एश लुकारियो को बोलते हैं लुकारियो तुम ये बैटल नहीं हार सकते, तुम अभी भी बैटल जीत सकते हो, तुम उठने की कोशिश करो। लुकारियो फिर से मुश्किल से बैटल में खड़ा हो जाते हैं बैटल करने के लिए, लेकिन लुकारियो को बहुत ज्यादा डैमेज हो गया था, इसलिए गो बोलते हैं अपने सिंड्रेस को सिंड्रेस पायरो वाला अटैक यूज करो। और अब एश लुकारियो को बोलते हैं लुकारियो तुम इस अटैक से बचना ही पड़ेगा, तुम डबल टीम अटैक यूज करो एंड इस अटैक को डॉच करो। लुकारियो डबल टीम अटैक यूज कर देता है एंड इस अटैक को डॉच कर लेता है। और अब सिंड्रेस कंफ्यूज हो जाता है कि लुकारियो कौन सा है असली लुकारियो। और अब लुकारियो को एश बोलते हैं लुकारियो अब तुम रिवर्स अटैक का यूज करो सिंड्रेस पे, जो कि लुकारियो सिंड्रेस पे रिवर्स अटैक का यूज कर देते हैं, जिससे सिंड्रेस को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ता है। और एश बोलते हैं लुकारियो को लगातार रिवर्स अटैक यूज करते जाओ, जो कि सिंड्रेस को बहुत ज्यादा डैमेज दे रहा था। ये देख के गो शॉक रह जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है, उसका सिंड्रेस को बहुत ज्यादा डैमेज पड़ रहा था। और फिर इसी तरह हमें काफी देर तक बैटल देखने को मिलते हैं दोनों पोकेमॉन के बीच। दोनों ही पोकेमॉन एक साथ बैटल कर रहे थे, कभी लुकारियो को डैमेज पड़ रहा था तो कभी सिंड्रेस को डैमेज पड़ रहा था, दोनों ही पोकेमॉन अपना बेस्ट दे रहा था। लेकिन अभी काफी देर हो चुका था बैटल करते हुए, इसलिए दोनों ही पोकेमॉन काफी थक गए थे और अब टाइम आ चुका था कि दोनों पोकेमॉन में से कोई सी को अब हारना पड़ेगा। इसी वजह से गो अपने सिंड्रेस को बोलते हैं सिंड्रेस बहुत हुआ, अब आखिरी अटैक करो, फुल पावर के साथ पायरो वाला अटैक यूज करो, जिससे लुकारियो हार जाएगा। और ऐसा अपने लुकारियो को बोलते हैं लुकारियो तू अब फुल पावर के साथ वारस पेयर अटैक यूज करो, जिससे सिंड्रेस भी हार जाएगा। फुल पावर के साथ सिंड्रेस अपने पायरो वाला का अटैक यूज कर देता है लुकारियो पे, और लुकारियो फुल पावर के साथ अपना वारस पेयर अटैक यूज कर देता है, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। और दोनों ही अटैक एक दूसरे को लग जाता है, यानी कि सिंड्रेस को लुकारियो का वारस पेयर लग जाता है और लुकारियो को सिंड्रेस का पायरो वाला अटैक लग जाता है। और अब बहुत ज्यादा धमाका होता है, एश और गो देखने के लिए सीरियस होते हैं कि कौन सा पोकेमॉन जीतने वाला है, लेकिन ये धमाका बहुत बड़ा धमाका था। फाइनली धमाका हटने के बाद हमें देखने को मिलता है कि लुकारियो और सिंड्रेस दोनों ही एक साथ हार गए हैं, यानी कि दोनों ही पोकेमॉन को बहुत ज्यादा डैमेज हुआ था एंड दोनों ही पोकेमॉन इस वजह से हार गया, यानी कि ये बैटल ड्रॉ हो गया है। ऐसा अपने लुकारियो को वापस बुलाता है एंड बोलते हैं तुमने बहुत अच्छा कोशिश की है, शुक्रिया लुकारियो। एंड गो भी अपने सिंड्रेस को पोकेबॉल में वापस बुलाता है एंड फिर गो एश को बोलते हैं बहुत अच्छे एश, बैटल करके बहुत ज्यादा मजा आया। और एश गो को बोलते हैं तुम्हारा सिंड्रेस बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, मेरा इतना ज्यादा स्ट्रांग लुकारियो भी उसको नहीं हरा पाया है। उसके बाद गो और एश हैंडशेक करते हैं, फिर एश बोलते हैं ठीक है गो अब मुझे जाना पड़ेगा अपने गोल के लिए, दोबारा फिर कभी मिलेंगे। और इसी तरह गो और एश का गुड बाय हो जाता है। और फिर हमें एश देखने को मिलता है जो कि जा रहे थे अपने गोल के तरफ, और अब एश अपने बोलते हैं कि मेरी टीम में 6 पोकेमॉन हो चुका है और अब मुझे गोल की तरफ जाना पड़ेगा। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाते हैं। और इसके आगे अब क्या होगा ये हमें एपिसोड 10 में जाने को मिलेगा, यानी एपिसोड 10 बहुत ही जल्दी आएगा। तब तक के लिए आप इस सीरीज से बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो बाकी के एपिसोड देख लेना, इसका पहले इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे।